कर दी तूने, मेरे इस दोस्त को मारकर गलती कर दी तूने। एक घंटे पहले हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन इस पल के बाद मेरे अलावा तू किसी और के बारे में सोच नहीं पाएगा। मन तो करता है तुझे अभी मार दूं, लेकिन तुझे जिंदा रहना होगा। लोगों में तेरा खौफ खत्म होना जरूरी है, उसे मैं खत्म करूंगा अभी इसी पल से। वो इलाका मेरा है। तीस, चालीस, पचास, साठ, चाहे जितने आदमी भेज देना, सबका हश्र यही होगा। इन लोगों के सामने मेरा बेटा नहीं था, उनकी उम्मीद की नई किरण थी। जो उसे पराया समझते थे, वो अब उसे पलकों पर बिठाने लगे। भाई, वो साइन किए हुए पेपर्स बस्ती वालों ने जला दिए। उस लड़के को बस्ती वाले अपना मसीहा समझ रहे हैं। पागल हो गया क्या? वो अकेला क्या उखड़ा? राजा, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक ही आदमी से होती है। मेरा ये इतना बड़ा साम्राज्य देख रहा है ना, तो मैंने इसकी नींव अकेले रखी थी, कोई रोक नहीं पाया था मुझे। लेकिन आज देखना तुम, मैं रोकूंगा उसे। भाई, उसे मुझ पे छोड़ दो, मैं मारूंगा उसे। अपना थोबड़ा ठीक से देख लिया ना? पहली मुलाकात में आधे थोबड़े का बैंड बच गया, और जब दूसरी मुलाकात होगी ना, तो मूंछों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कभी दिमाग से भी सोच ले। धर्मा, लड़का गरम खून का है, डर उसके लिए मायने नहीं रखता। जो उसके लिए मायने रखता है, वो डर गया तो ये भी डर जाएगा। ये दवाइयां अच्छा खासा माल कमा लिया है तुमने। तुम्हारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, फिर तुम्हारा बेटा धर्मा से पंगा क्यों ले रहा है? पति तो तुम्हारा पहले ही मर गया है, ले दे के एक बेटा बचा है, उसका भी ख्याल ठीक से नहीं रख रही हो। अगर कल तुम्हारे बेटे को कुछ हो गया तो अकेले जीवन काटना कितना मुश्किल होगा, सोचा है कभी? समझाओ उसको, सुधर जाए। मेरा बेटा स्कूल में बहुत शरारत किया करता था, टीचर्स उसकी शिकायत लेकर मेरे पास आया करते थे। तुम्हारी तरह चरण की वजह से तुम्हारी रातों की नींद भी उड़ गई है क्या? चमकन, इतना घमंड? हाँ है घमंड, मेरे बेटे का घमंड है मुझे। मैं नहीं जानती उसने तुमसे क्या कहा, लेकिन वो जो कहता है करके दिखाता है। लगता है तेरे बेटे को भी तेरे पति के... आवाज नीचे। ये सोचने की गलती मत करना कि एक औरत की रक्षा सिर्फ उसका पति कर सकता है। इस दुनिया से जाने से पहले मेरे पति मुझे एक शेर सौंप कर दे। दफा हो जाओ। चले या और बेइज्जती करानी है? यस डॉक्टर। सर का बीपी हाई हो गया है, इन्हें एक टैबलेट दे देना। अगर माँ बेटे दोनों ऐसे हैं, तो जरा सोचो बाप कैसा रहा होगा। धर्मा, हल्के में मत लेना, उसे बताना पड़ेगा कि डर किस चिड़िया का नाम है।
ये लो। बोलिए अंकल। हेलो करण बेटा। हेलो। क्यों बे, बस्ती वालों को बचाने जा रहा है तू? तो तेरी माँ को कौन बचाएगा? मॉम, बोल मेरे मुन्ने। माँ की सांसें अभी तक चल रही हैं। अगर बात करने की इतनी ही जल्दी है तो खरा। हेलो, सुना है तेरी आइटम फटाका है मंजू, उसे अकेले छोड़ के आ गया? तेरी फूल जैसी गर्लफ्रेंड को क्या मेरे लिए छोड़कर गया है? अब तक तो तूने मेरे बारे में सिर्फ लोगों के मुंह से ही सुना होगा, अब अपनी आंखों से देख, क्योंकि शेर शिकार पर निकला है। जल्दी सोच किसके पास पहले जाके किसे बचाना चाहेगा। आप कहाँ हो भैया? क्या हुआ? वो साला आपकी बेटी के साथ इधर अपने घर में खेल रहा है। हाँ भाई, उसे छोड़ दे भूखा। क्या हो गया? बोलाना उसे इसी वक्त छोड़ दे। हाँ भैया। निकल निकल, अपने आदमियों को लेकर अभी के अभी वहां से निकल। रुक जाओ सब। हाँ भाई। राजा, वहां से निकल जल्दी। हुआ क्या भाई? जो बोला वो कर। ठीक है। चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कोई मर गया? क्यों बे, और पकड़ा पकड़ी नहीं खेलनी तुझे? तेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है, अपने बाप की करतूतें नहीं जानती। जब तेरे आदमी उस जगह से बिना एक ईंट उखाड़े खाली हाथ लौट जाएंगे, तब लोगों को तेरी औकात पता चलेगी, तेरी पोल खुल के रह जाएगी। अब बस एक चीज का इंतजार है, उस बस्ती वालों को तुझे डरा के भगाने का। ए साले, वो बस्ती वाले मुझे डराएंगे? उनमें इतनी ताकत आ गई? आ जा वही आके मिल, मैं दिखाता हूं कौन डरता है और कौन डराता है। आजा साले।